नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। हरियाणा में प्रत्याशी चुनने में कोई चूक नहीं करना चाहती कांग्रेस। कांग्रेस ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 7 पर प्रत्याशी तय कर लिए हैं और 3 पर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में विस्तृत विचार विमर्श किया गया है। पार्टी हरियाणा में प्रत्याशियों के चयन में कोई चूक नहीं करना चाहती है, इसलिए पार्टी के नेताओं से हर पहलू पर चर्चा की जा रही है। गरीब बच्चों को मुफ्त दाखिला नहीं देंगे प्राइवेट स्कूल, सरकार 982 स्कूल करेगी बंद। हरियाणा के प्राइवेट स्कूल ने इस साल किसी भी गरीब बच्चों को मुफ्त में दाखिला नहीं देने का फैसला किया है। 4 साल से मुफ्त दाखिले देते आ रहे इन स्कूलों को सरकार की तरफ से 1 भी रुपया उपलब्ध नहीं करवाया गया। सरकार के इस रुख से नाराज होकर प्राइवेट स्कूल ने इस बार पहले सरकारी मदद उपलब्ध करवाने और उसके बाद ही स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले करने का निर्णय लिया। केरल और कर्नाटक की तरह हरियाणा में भी युवक कांग्रेस ने मांगा टिकट, राहुल को लिखा पत्र। केरल और कर्नाटक की तर्ज पर हरियाणा में भी युवक कांग्रेस ने पार्टी नेतृत्व से अपने लिए एक लोकसभा सीट मांगी है। इसके लिए युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद्र ने पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिखा है। कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना और रोजगार के वादे को लेकर देश की 150 लोकसभा सीटों पर प्रचार करने में जुटी युवक कांग्रेस ने करनाल लोकसभा सीट पर दावेदारी ठोकी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा के घोषणा पत्र को बताया झूठ व जुमलों का पुलिंदा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र को देशवासियों के साथ भद्दा मजाक बताया। कहा है कि यह झूठ व जुमलों का एक और पुलिंदा है। इस पार्टी के पहले वादों की पूर्ति के लिए पिछले 5 सालों का व्यर्थ इंतजार करने के बाद खुदगर्ज सत्ता पक्ष ने एक बार फिर देश के लोगों को कुछ भी नहीं दिया। सुखबीर बादल का कांग्रेस पर निशाना, कहा कैप्टन अब तक के सबसे निकम्मे मुख्यमंत्री हुए साबित। सुखबीर बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अब तक के सबसे निकम्मे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। पार्टी उम्मीदवार चरणजीत सिंह अटवाल के समर्थन में नूर महल की दाना मंडी में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कैप्टन ने पंजाब की जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल की है, लेकिन लोकसभा चुनाव में लोग गुमराह नहीं होंगे। लुधियाना पहुंची स्वीप ट्रेन लोकतंत्र को मजबूत करने का दिया संदेश। यह रेल यहां यात्रियों को उनके स्थान तक पहुंचा रही है, वही लोगों को लोकतंत्र मजबूत करने का संदेश भी दे रही है। इसी कड़ी के तहत स्वीप ट्रेन हिमसागर एक्सप्रेस लुधियाना स्थित मुख्य रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इसे डिप्टी कमिश्नर कम जिला चुनाव अधिकारी प्रदीप कुमार अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जीरकपुर का मशहूर सेठी ढाबा जीरकपुर अम्बाला सड़क से हटाया गया। सेठी ढाबे का कोर्ट में चल रहा था केस। जीरकपुर अम्बाला रोड पर सन 2008 से समाज सेवी व स्वच्छ भारत अभियान जीरकपुर के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सेठी की ओर से चलाए जा रहे सेठी ढाबे को मंगलवार को अदालत के आदेशों के बाद हटा दिया गया है। ये कार्रवाई जीरकपुर पुलिस की देखरेख में चली। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.arthprakash.com पर भी जा सकते हैं और हमारा एंड्रॉइड ऐप भी आ गया है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पर। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।